तीन राज्यों के चुनाव रद्द होने का आया बड़ा फैसला। बता दें कि तीन राज्यों के चुनाव रद्द होने का यह फैसला सामने आते ही सभी मुख्यमंत्रियों में हड़कंप मच गया। भले ही तीनों राज्यों का वोटिंग हो गई है, तीनों राज्यों का परिणाम भी आ गया है, तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों ने शपथ भी ले लिया है और तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री भी बना दिए गए, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम का यहाँ पे धांधली हुआ वो माहौल शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बार बार ईवीएम का यह धांधली उपटकर सामने आ रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ पूरी तरीके से अब की बार ऐलान करने वाले हैं और यह मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है कि ईवीएम में धांधली करके सरकार बनाया गया है, ये और ज़्यादा उपटती नज़र आ रही है, क्योंकि तीन राज्यों में बीजेपी सरकार बना चुकी है और तीनों राज्यों में परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। सभी ने सीएम पद का दावा भी कर दिया है और सभी लोग अपना सीएम पद ग्रहण भी कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे ईवीएम धांधली करके जिस तरीके से सरकार बनाया है वो अब शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा तीनों राज्यों में अब की बार फिर से चुनाव रद्द कराया जाए और मुख्यमंत्री को हटाया जाए, ऐसा दावा चल रहा है। यहाँ तक कि सभी तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी हटाने का यहाँ पे फैसला चल रहा है, लेकिन क्या ये सच साबित होगा? आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।